लिसनर्स, आज हम बात करेंगे ऋतुओं की। भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। उनमें से एक है ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी का मौसम। इस समय हर इंसान अपने स्वास्थ्य को, अपने खान पान को, रहन सहन को गर्मी के अनुसार ढालना चाहता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर मदन गुलाटी, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से, तथा आजकल निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं सुबह 10:30 से 12:30 बजे इंदिरा हॉलिडे होम में। तो आज हम जानेंगे स्वास्थ्य संबंधी कुछ विशेष टिप्स डॉक्टर गुलाटी से। डॉक्टर गुलाटी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में ऋतुचर्या क्या होती है। हाँ, आयुर्वेद क्योंकि जीवन का विज्ञान है, तो इसमें जो है दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो हम ऋतु का मतलब होता है सीजन, और चर्या मीन्स के कैसा हमारा उसमें मूविंग चलन का मतलब, कैसा उस ऋतु के हिसाब से हमारा किस तरह से रहन सहन होना चाहिए, उसको हम ऋतुचर्या कहते हैं। कि जो पर्टिकुलर सीजन है उस ऋतु में किस तरह का हमारा रहन सहन हो, है, उसको हम आयुर्वेद में ऋतुचर्या कहते हैं। क्या हम सूर्य से भी इस ऋतुचर्या को बांटते हैं? हाँ, बहुत सुंदर सवाल किया आपने। एक्चुअली सूरज के की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ऋतुएं हमारी बांटी हुई हैं। एक साल में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, जैसे कि हम जनवरी और फरवरी, मिड जनवरी से लेकर के फिर फरवरी और मार्च की मिड तक जो है उसको हम शिशिर ऋतु कहते हैं। शिशिर ऋतु में जो इसको जो है वे मतलब पहली ऋतु मानी जाती है हमारी, जनवरी फरवरी, मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक जी। फिर उसके बाद वसंत ऋतु होती है जी। ठीक है, उसको हम मार्च से लेकर के फिर अप्रैल और मई तक, ठीक है, फिर 15 मई के बाद जो है वो ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है, 15 मई से जून और जुलाई तक रहेगी। फिर उसके बाद वर्षा ऋतु है, 16 जुलाई से स्टार्ट होगी, फिर सितंबर तक रहेगी, ठीक है, 15 सितंबर तक। फिर उसके बाद जो है वर्षा ऋतु के बाद आ जाती है वर्षा शरद ऋतु मानते हैं उसको हम, तो वो जो है सितंबर से स्टार्ट होकर के अक्टूबर नवंबर तक जाएगी। फिर इसी तरह से नवंबर दिसंबर जनवरी तक फिर जो है वो लास्ट ऋतु हमारी हेमंत है। तो इसका मतलब 6 ऋतुएं मानी गई हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो इनका जो है बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है सूरज के साथ। जब सूरज जो है मतलब एक साल में जो है हम दो कालों में बांटते हैं उसको। एक में तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है सूरज, तो उसको हम कहते हैं उत्तरायण, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जब सूर्य चला जाता है तो उसको कहते हैं दक्षिणायन। तो उसी उत्तरायण का नाम जो है वो हमने रखा हुआ है आदान काल, आदान काल, और जो हमारा दक्षिणायन का काल है उसको कहते हैं विसर्ग काल। तो जो हमारी ऋतुएं हैं ना, पहली 3 ऋतुएं, जैसे हम शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु, ये जो है ये हमारी आदान काल मीन्स उत्तरायण की ऋतुएं हैं। उत्तरायण में सूर्य की जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो उसके नॉर्दर्न डायरेक्शन में जब होगा तो उसमें जो है सूर्य जो है डायरेक्ट पड़ रहा होता है। तो सूर्य डे बाय डे जैसे शिशिर से आगे वसंत में और ग्रीष्म में सूर्य पूरी तरह से मतलब वो जो है हमारे स्नेह अंश को खींच लेता है, हमारी जो अंदर की जो धरती की जो है ना मतलब जो उसकी जो स्नेह अंश होता है जो उसका, उसको खींच लेता है अपनी उस गर्मी से, और उससे वायु भी गर्मी में पकड़ लेती है, और सूरज और वायु दोनों का प्रकोप डे बाय डे बढ़ता है। तो ग्रीष्म ऋतु में हमारा स्नेह अंश कम खींच लेता है उसका। ये हमारे एक्चुअली हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में दो काल माने गए हैं ऋतु के उसके हिसाब से, एक को हम कहते हैं आदान काल, एक को विसर्ग काल। तो जो आदान काल है वो पहले जो 3 मैंने बताई, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म की ऋतुएं, और वर्षा, शरद, हेमंत जो है वो विसर्ग काल है। तो एक जगह पे लिखा है आदव अंते चा दुर्बल्यम विसर्गा आदान्यो निर्णाम मध्यम मध्यम बलम त्वंते सुश्रेष्ठम अग्रम चा विनिर्देशेत। ये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में एक बड़ी उत्तम लिखी हुई है कि हमारा जो ग्रीष्म ऋतु है वो आदान काल की अंतिम ऋतु है जी। और जो विसर्ग काल की जो पहली ऋतु वर्षा ऋतु है, इन दोनों के टाइम पे हमारे शरीर की जो बल होता है मीन्स जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, हमारी जो डाइजेस्टिव पावर है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसको इसका जो आदान काल का जो एंड है ना और उसका जो स्टार्ट होता है ठीक है ना, उसको हमें बहुत कम मतलब हमारा शरीर बल होता है। और उसके बाद जो 2 ऋतुएं बताई गई हैं जैसे मध्यम ऋतुएं जो हैं, जैसे शरद ऋतु है, इधर से वसंत ऋतु है, तो हमारा शरीर बल जो है उसमें मध्यम होता है, उसमें इम्यून सिस्टम थोड़ा सा बेटर होता है। परंतु जो बेस्ट हमारी इम्यूनिटी होती है ना वो होती है हमारी शिशिर ऋतु में और उधर से हेमंत ऋतु में, जो लास्ट जो है जनवरी फरवरी का महीना, तभी वो कहते हैं बड़े हेल्दी सीजन है। तो जो जनवरी है ना दिसंबर जनवरी, इधर से ये ऋतु है अक्टूबर से दिवाली के बाद स्टार्ट हो जाता है हेल्दी सीजन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, इसमें हमारी जो है ना शरीर बल इम्यूनिटी भी ज्यादा होती है, इसमें जो हेल्दी सीजन मानते हैं। तो अगर आजकल का जो मौसम हम ले लेते हैं तो ये तो चौमासा जिसे कहते हैं, इसमें हमारा
इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है और इसके साथ साथ हमारी अग्नि भी कम हो जाती है, डाइजेस्टिव पावर भी कम होती है इसमें। तो डॉक्टर साहब, आजकल जो ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है या शुरू हो रहा है, तो इसमें हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? हाँ, ये जो आजकल ग्रीष्म ऋतु, जैसे मैं समझता हूँ कि 15 मई से हम मानते हैं, 15 मई से, तो इसमें क्या है कि मई जो है वो हम एंड ऑफ वसंत को जाकर के अब हम ग्रीष्म को टच कर रहे हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जब एंटर करते हैं तो इसमें जो है हमारा जो है रहन सहन खान पीन, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें हमारी जो है ना हमारी जो स्नेह अंश है बॉडी का, सूरज, क्योंकि सूरज और वायु का प्रकोप होता है, तो इसमें एक तो गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है, उधर से रुक्षता ज्यादा होगी। तो आयुर्वेद में जो तीन दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, ठीक है ना, उसमें जो वात का प्रकोप है इसमें होता है, वात का इसमें संचय हो रहा होता है, और इसमें जो कफ दोष होता है ना उसका बिल्कुल खत्म हो रहा होता है। तो कफ दोष का एंड हो रहा खत्म, इसमें बिल्कुल शमन अवस्था हो जाती है और वात का इसमें प्रकोप होता है, साथ में हॉट होने से पित्त भी जो है वो भी अपनी उष्णता दिखाता है। तो इसमें जो हमें मतलब अगर रसों के, क्योंकि इसमें ना मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, क्योंकि इसमें पावरफुल टेस्ट जो है वो कटु होता है, कटु मीन्स पंजेंट। तो इस ऋतु में हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में जो बात लिखी बताई गई है वो ये है कि इस ऋतु में हमें ऐसा आहार खाना चाहिए जिससे वायु को ना बढ़ने दे, तो वायु को ना बढ़ने और पित्त को भी ना बढ़ने दे। तो इसमें शीतल चीजें जो हैं, ठंडी जो चीजें हैं वो लेनी चाहिए, और साथ में थोड़ी सी स्निग्ध जरूर हो। स्निग्ध मीन्स थोड़ा सा उसमें हल्का सा, जैसे जैसे घी का अंश हो स्निग्ध, क्योंकि हमारा रुक्षता बहुत बढ़ चुकी होती है, अगर हमारी बॉडी में स्नेह अंश खत्म हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे हम, है ना, पानी मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ड्राइनेस वैसे उसमें ज्यादा होती है। और ऐसा आहार खाना चाहिए जो शीतल हो, स्निग्ध हो, और तरल पदार्थ ज्यादा खाने चाहिए, लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी चाहिए, और हैवी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना उष्ण हमारी जो है ना अग्नि बल बहुत कम हो जाता है। तो इसमें हम चौमासा कहते हैं ना इसको, ये चौमासे का स्टार्ट, मतलब ये जो मई जून जुलाई जो है, ये जो आगे जुलाई और इवन अगस्त तक भी हम चौमासा मानते हैं, जिसमें आर शब्द नहीं आता ना, जैसे इंग्लिश महीनों में जनवरी फरवरी मार्च ये इसमें आर आता है, अप्रैल में भी आर आता है, मई जून जुलाई अगस्त में नहीं आता। तो ये जो जिनमें आर नहीं आता ना, उसमें क्या होता है हमारा जो है उसको चौमासा, इसमें हमारी अग्नि बल बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें इवन ये लिखा गया कि भाई बाकी सीजन में तो मछली खा लेते हैं, परंतु इस पर्टिकुलर जिसमें आर नहीं पड़ता उसमें मछली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो उसको रेस्ट करने में बड़ी हीट चाहिए। तो वो उसको मई जून जुलाई अगस्त में शास्त्रों में इसका परहेज लिखा हुआ है कि भाई ये उसमें मछली भी नहीं खानी चाहिए, कोई भारी चीज नहीं खानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या हम घर से बाहर जाते समय किसी तरह की सावधानी रख सकते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे, लू से बच सके? हाँ हाँ हाँ, आजकल का जो मौसम है गर्मी के मौसम में लू लगने का बड़ा प्रकोप स्कोप होता है। तो इसमें हमें कोई अपना जो है ना, जैसे सन ग्लासेस हम कहते हैं कि भाई वो डाल ली जाए जब ब्राइटनेस पूरी हो, धूप ज्यादा हो, और फिर भी सिर पे हैट वगैरह डाल लिया जाए ताकि सीधी रेज ना पड़े, है ना, जो स्किन पर वो जो है उसकी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अच्छी नहीं होती स्किन को, है ना, और नेक को भी कवर करें, तो मतलब हमारे जो भी पोर्शन है उसको मतलब इस, और इसमें जो पर्टिकुलरली हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, हमारी स्किन को ब्रीथ करते रहना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए कि पसीना ही ना निकले और जो है उससे नुकसान हो जाता है। तो हमें जो है वो उसको कवर करना चाहिए, उसमें कोई ऐसा जैसे सन क्रीम जो क्रीम होती है ना हमारे जो चंदन के लेप हैं, चंदन से बनी हुई कोई भी जो है वो उसका प्रयोग करते हैं, या कोकोनट के इसमें हल्की सी मालिश कर ली जाए कोकोनट के तेल की, वो भी इसमें अच्छा माना जाता है। गर्म चीज़ों का तेल वगैरह नहीं, गर्म जैसे सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, या तिल का तेल भी नहीं लगाना चाहिए, जो गर्म होते हैं, जो शीतल होते हैं ना, जैसे चंदन है, चंदन का तेल उसका बहुत अच्छा बताया गया है, उसकी कोई परफ्यूम भी हो जो शीतल हो तो उसका जो है चंदन बेस्ड हो तो उसको हम लगा सकते हैं इस तरह का, मतलब जो है ताकि हम जो इसमें लू वगैरह से बचने के लिए हमें जो है अपने शीतल मतलब कपड़े जो है वो कोई भी गर्म जिसकी ताशी वो नहीं पहनने होते जी, कॉटन यूज करें, कॉटन ही बेस्ट है, मतलब सूती कपड़े ही पहनने होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती है इस मौसम में? हाँ, इस मौसम में क्योंकि मैंने बताया ना इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है हमारी, अग्नि जो है हम कोई एक्स्ट्रा चीज खा लेंगे तो उससे जो है जैसे कि आजकल के इस मौसम में जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में दस्त लग जाते हैं, है ना, डायरिया डिसेंट्री का बड़ा प्रकोप हो जाता है, कई बार वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, हैजा का सीजन माना जाता है ये। तो इसमें क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम होने से बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं उनको मौका मिल जाता है कि हम अटैक कर सकते हैं, बड़े वीक बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो हमारे उस पर नुकसान कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी और अग्नि बल कम होने से ज्यादा सा ओवर ईटिंग कर गए तो वो डाइजेस्ट होता नहीं है, गैस फॉर्मेशन होगी और फर्मेंटेशन होगी या वॉमिटिंग हो जाएगी या फिर डायरिया डिसेंट्री
इवन अल्सर कोलाइटिस वगैरह, कई बार गर्मी से वो ब्लीडिंग भी हो जाती है, हाँ जी इवन लेडीज में रक्त प्रदर की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे लू लगना, ये भी तो इसी सीजन की है मेन प्रॉब्लम है, सनस्ट्रोक हो बिल्कुल जाता है गर्मी लगने से, नाक से नक्सीड फूट जाती है, जी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर देखी जाती हैं इसमें, क्योंकि ये जो है ना हेल्दी सीजन नहीं मानते, क्योंकि बॉडी की अग्नि बल कम है, बिल्कुल तो इसमें कम खाना चाहिए और थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए। डॉक्टर, क्या कोई आयुर्वेदिक घरेलू टिप्स भी हैं जो हमें सनस्ट्रोक से इनसे बचाया जा सकता है? हाँ नहीं, हमारा जो इस मौसम के हिसाब से जो ऋतुचर्या बताई है, हमारे जो फल फ्रूट कुदरत वाला ही इसमें गाइड करता है हमें, जी कि जैसे हमें तरबूज का सेवन अगर हम रेगुलर करें, तो तरबूज में सारे कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, नियासिन भी है, और तरबूज का अगर हम ज़्यादा सेवन करेंगे तो हम जो है लू लगने की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तरबूज का मतलब जैसे उसको थोड़ा सा हल्का सा काली मिर्च और काला नमक डाल के उसको जो है ले लिया जाए, है ना, जी उसका मतलब उसका ज़्यादा सेवन करें, तो इस तरह खरबूजा भी जो है इस मौसम का बड़ा अच्छा फल है, उससे भी हम ऐसे फलों को जो शीतल होते हैं, जी फालसा है बहुत ज़्यादा इन दिनों में मिल जाता है, फालसा का प्रयोग करना चाहिए पुरुष, खुमानी बहुत अच्छी है, आलू बुखारा भी बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल इस सीजन में जो है ना तार खीरे का प्रयोग जो है बहुत अच्छा है, ककड़ी जिसे कहते हैं ना हम लोग, जी ककड़ी जो है वो भी हमें इस प्रॉब्लम से बचाती है, नेचर हमें खुद ही ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है, बिल्कुल परंतु हम कई बार टेस्ट बस ऐसी फल सब्जियां खा लेते हैं जो कि इस सीजन में होती भी नहीं है, और वो हम अपने टेस्ट की वजह से खाते हैं, खाते हैं। तो उससे फिर वो गर्मी बॉडी में बढ़ जाती है, तो जैसे डॉक्टर ऐसे। साहब, आजकल यूजुअली हर मौसम में हर फल हर सब्जी मिल रही है, हाँ 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 लाइक हाँ जैसे कि हमें मिलते हैं खजूर, लेकिन वो हाँ सर्दी का फल माना जाता है, लेकिन गर्मी में भी आजकल हाँ मिलता तो है, वो नहीं खाने तो चाहिए ना हाँ ऐसी उन चीज़ें, सब तो चीजों वैसे भी से। हम कहते हैं कि ऋतु के विपरीत जब कोई चीज़ खाएंगे तो उसका नुकसान होगा, बिल्कुल तो जैसे आजकल के मौसम में तरबूज मैक्सिमम मात्रा में मिलता है, जी और तरबूज का अगर हम सेवन करें तो उससे हम है गर्मी से बच सकते हैं। जैसे आपने बच्चों पूछा ना कि हमारा घरेलू जो है, जैसे बिल्कुल बिल आजकल मिलता है, जी तो बिल जो है बिल का शरबत बना के पीना चाहिए, बिल का बिल्कुल शरबत लेने से क्या होता है कि हमारे जो है पेट में जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आंतड़ियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, जी म्यूकस नहीं आएगी, डायरिया डिसेंट्री नहीं होगा अगर हम बिल का शरबत इन दिनों में पीते हैं। इस तरह से आम का पानक कहते हैं, आम का पन्ना जो होता है ना, आम का हाँ पन्ना जी खट्टे आम, उसके अंबी को लेकर के उसका जो बना लिया जाता है जूस, है ना, रस थोड़ा सा चीनी में डाल करके उसका पानक बना करके, या जी इवन मैंगो शेक इज ऑल्सो वेरी गुड, दूध में जी डाल के मैंगो का जो शेक है वो बिल्कुल भी बहुत अच्छा है इन दिनों में अगर ले लिया जाए, है ना। तरबूज के साथ साथ जैसे खरबूजा मैंने बताया कि खरबूजे में, खरबूजा तरबूज से ना थोड़ा सा गर्म होता है, जी थोड़ी सी तासीर गर्म होती है, वैसे खरबूजा बहुत अच्छा फल है ये, इससे खरबूजे से क्या होता है अगर इसको छिलका समेत खाएं ना तो गाल ब्लैडर स्टोन भी नहीं होते, इवन अच्छा किडनी स्टोन के लिए अगर छिलका समेत खरबूजे का प्रयोग किया जाए, जी और इनके जो बीज होते हैं वो ब्रेन के लिए बड़े अच्छे हैं, तरबूज के बीज भी जो है जिसको नींद नहीं आती प्रॉपरली उसके लिए बहुत अच्छा है, उनमें कोई डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी बहुत अच्छा है तरबूज के बीज और खरबूजा के बीज जो है। इसी तरह से अपने हमारे जो खीरे के बीज हैं वो भी बहुत ठंडे माने जाते हैं, और इसमें शरदई वगैरह भी बना के लेते हैं खरबूजे के बीजों की, है ना, ये जो गूंद कतीरा होती है ना, जैसे आपने कहा कि इसमें लू वगैरह ना लगे, तो उसमें गूंद कतीरा अगर रात को भिगो के रखते हैं पानी में और सवेरे वो फूल जाएगी, है ना, उसका जो प्रयोग करेंगे तो गूंद कतीरा जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर किसी की नसीर फूट ही जाती है सपोज नाक से, है ना, तो इसमें हमारा दुर्वा होता है जो घास होता है ना, जो आम घास आजकल लगा होता है, तो उसका थोड़ा रस निकाल के अगर नाक में डाल दिया जाए वो भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से कच्चे दूध के साथ थोड़ा नींबू निचोड़ करके उसको इमीडिएटली पिला दिया जाए, बहुत अच्छा काम करता है ना। घरेलू हमारे जो बादाम के जो छिलके उतार करके रात को बादाम 8-10 गिरियां जो भिगो के रख दें, सवेरे जो है बादाम की वो जो उसका प्रयोग करवाएं, है ना, उसका उससे भी हमारी जो है गर्मी को मतलब राहत मिलती है, तो इन दिनों में इसका सेवन करना चाहिए ऐसे ऐसी चीज़ों का। बिल्कुल डॉक्टर, क्या कोई परहेज है छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए इन दिनों में? हाँ नहीं, मैंने बताया ना इसमें जो है कटु कटु पदार्थ जो होते हैं ना, कटु उष्ण जैसे पंजन चीजें होते हैं, जैसे हम जिंजर वगैरह कहते हैं, कई बार मिर्च वगैरह, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, जिससे कि हमारी जो है ना छोटे बच्चों के लिए, तो इस मौसम में ना सबसे पहले चंदन का तेल की जैसे मालिश कर दी जाए, है ना, दूध में ना थोड़ा सा हल्का सा घी, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा घी भी टेस्ट करने में मुश्किल होगी, स्मॉल डोज में अगर उसको दिया जाए और थोड़ा चीनी का उसके साथ प्रयोग करवाया जाए, तो उससे हमारी जो है क्योंकि इसमें ना पित्त को शांत करना होता है और साथ में वायु को शांत करना होता है, तो उसमें जो है बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है उसको हल्का सा घी जो है हल्के घी की मालिश भी की जा सकती है, और घी का
अंदर से भी सेवन करवाना चाहिए स्निग्धता, क्योंकि सूर्य जो है हमारी उनकी स्नेह अंश को खींच लेता है, ठीक है ना। इसी तरह से बुजुर्गों में भी जो है इस मौसम में उनको लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी चाहिए, और मतलब ऐसा हैवी भोजन ना करें, वो रात का भोजन तो हो सके अवॉइड भी करें, मतलब लंच तक ही रखें, और उसमें भी उनको जो है वो ज्यादातर फ्रूट जूसेस जो है उसका प्रयोग करवाएं, उसमें कोई ऐसी चीजें उनको ना दें जो मतलब ज्यादा जो है अमल खट्टी हो या नमकीन ज्यादा हो, है ना, जिसमें कटु पदार्थ दिया जाते हैं पंजन टेस्ट वाली, है ना। बिटर स्ट्रिंजेंट चीजें नो डाउट कि वो पित्त को शांत करती हैं, परंतु वो वायु को बढ़ा देती है, इसमें रुक्षता वैसे ही होती है, तो इसलिए हम बिटर और स्ट्रिंजेंट भी ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं। इसमें हम सिर्फ मधुर शीतल स्निग्ध और साथ में वो जो क्या बोलते हैं इसका जो अपना लिक्विड टाइप की जो चीजें हैं ना वो उसको पानी ज्यादा पीना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि मटके का पानी जो है ना वो सबसे अच्छा है, जो ना बहुत ज्यादा उसका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। डॉक्टर, हमें कितनी कितनी देर में डाइट लेनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, जिससे कि हम डिहाइड्रेशन या कोई और प्रॉब्लम? हाँ, इसमें बिल्कुल अच्छा कहा कि इसमें जैसे शिकंजवी है, शिकंजवी का जो नींबू का में थोड़ा चीनी डाल करके और थोड़ा सा उसमें हम उसका सेवन करें ज्यादा, है ना, उसको हम जैसे दोपहर के बाद जो है लस्सी बना करके पिए, है ना, मीठी लस्सी जो है, या फिर वो जीरा डाल के लस्सी जो बनाई जाती है दही से, है ना, जैसे आधा कप मतलब दही हो एक कप दही, उसमें उतना ही बराबर पानी मिला के उसको मट्ठा टाइप बना करके उसको अच्छी तरह से, तो उसका अगर सेवन करते हैं ना तो वो उससे हमारी जो है वो इस मौसम में बहुत अच्छा माना जाता है। आजकल बड़े कोल्ड ड्रिंक्स भी चले हुए हैं, परंतु ये मैं हाँ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं कई तरह के, मतलब जो ड्रिंक्स आते हैं जैसे कई तरह के आए हुए हैं, तो उसमें क्योंकि केमिकल डाले होते हैं उससे एक्चुअली प्यास तो बुझती नहीं है, बल्कि उससे प्याज और भी ज्यादा होती है, और वो जो है अल्टीमेटली क्योंकि उसमें केमिकल डाले होते हैं तो वो उतना फायदा नहीं करते जितना वो नुकसान करते हैं। तो नेचुरल जो शीतल पदार्थ जो ताजे तैयार किए हुए जो है ना, जैसे फलों का रस है, जैसे अनार का रस है या मौसमी का या कोई संत है ना संत, उसका तो उपयोग कर सकते हैं आप, ताजा निकला हुआ है ना। गन्ने का रस बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें जो है उसको हम पानी वैसे बार बार पिए, थोड़ा थोड़ा पानी जो है ज्यादा पिए, पानी इसमें जो है मतलब जो इनटेक वाटर की जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया ना तरबूज का जैसे जूस निकाल के भी आप ले सकते हैं, और उसके साथ साथ जो तर्क खीरे का प्रयोग जो है वो बहुत ही अच्छा है इसके साथ। डॉक्टर, क्या अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए भी कोई खास प्रिकॉशंस हैं इस मौसम में? हाँ, इस मौसम में मैंने बताया ना रुक्षता तो बढ़ जाती है, रुक्षता बहुत होती है, और वैसे तो वायु का प्रकोप होता है इसमें, और जो अस्थमा वाले पेशेंट जो है क्योंकि उनके जो है ना कफ का तो शांति हो रही होती है, जो क्रोनिकली अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनकी तो ऑटोमेटिकली बीमारी जो है इन दिनों में रिडक्शन की तरफ जा रही होती है, और अपने आप ही वो सबसाइड कर जाती है, और क्योंकि उनका वो जो सीजन हाँ क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, हमारा जो है वो जो इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, तो उनको इस मौसम में ना थोड़ा सा मतलब जैसे बादाम रोगन में शहद मिला करके ना उसका सेवन करना चाहिए, ताकि उनकी जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा स्ट्रांग रहे। डॉक्टर साहब, जैसे हमने फलों की बात की है तो हम बेसिकली तरबूज के बारे में जानना चाहेंगे कि वो कितना लाभदायक है गर्मियों में? हाँ, तरबूज तो इस गर्मियों के लिए सबसे अच्छा फल माना गया है, इसमें मतलब जो है इसमें क्योंकि बहुत शीतल माना गया ना ये, तो इसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो इससे हमें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है, लू लगने की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, और हमारी शीतलता देता है ये, तो इसमें क्या इससे कोई हैजे मतलब हैजे की प्रॉब्लम भी हो सकती है ऐसा क्या? हाँ, ऐसा देखा जाता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं तरबूज खाने के बाद ऊपर से पानी पी लेते हैं, तो जब वो पानी की बढ़ जाएगा पानी की मात्रा में तो फिर कई बार क्या है डायरिया उधर से मतलब वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हैजा टाइप के सिम्टम्स हो जाते हैं, या तरबूज जो है काफी देर का कटा हुआ होता है तो उस पर मक्खी वगैरह आ जाती है, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम तो इस दिनों में कम होता है, तो वो जो उसके जो वायरस वगैरह होते हैं वो अंदर हमारे बॉडी में आ जाते हैं, तो फिर हैजा के चांसेस बन जाते हैं, तो तरबूज हमेशा ताज़ा काट के उसका तुरंत प्रयोग कर लेना चाहिए, या उसको कवर करके मतलब अच्छी तरह से मतलब ढक करके जैसे उसके ऊपर वो पॉलीथीन वगैरह लगाकर उसको कवर करते हैं, फिर उसको फ्रिज में रखें, या उसके मतलब उसको जो अगर इन्फेक्शन होने का इसका चांसेस ज्यादा होते हैं तब
ये ऐसे हैजा और इससे मतलब थोड़ा बदनाम हो जाता है ये फल। जी बेसिकली ऐसा नहीं होता, ये तरबूज खाने से या तो ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, घंटा डेढ़ घंटा जो है उसमें गैप डालना चाहिए तो फिर ये हैजा नहीं होता। अदरवाइज ये बहुत अच्छा फल है और हमारी जो है लू लगने और जो ऐसी प्रॉब्लम जो गर्मियों में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है, और इसके साथ साथ जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं ना जी उनको तो खैर हम खीरा का प्रयोग कहते हैं ज़्यादा जी है ना, खीरे का प्रयोग जो है वो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। और इसी तरह से जो आड़ू का, आड़ू भी इन दिनों में बहुत होते हैं, आड़ू में बिल्कुल बहुत मीठा नहीं होता है तो वो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को भी ये खीरा जो है वो कम करता है, जी और इन दिनों में खीरे का प्रयोग जो है, तर का प्रयोग भी जो है वो एंटी कोलेस्ट्रॉल है ना, ब्लड प्रेशर को भी के रोगियों को भी देना चाहिए, और ख़ास करके जो जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है उनको तो इन दिनों में उनके लिए तो जो बेस्ट फल है वो जैसे करेला हो गया, और उसके साथ साथ अपना ये खीरा है ना, सोरा टमाटर, उसमें उसका अगर जूस बना के वो पिया जाए तो जी खीरा टमाटर और उसका जो जूस है अपना खीरे का है ना, उसके साथ जो है वो करेला भी डाल दिया जाए तो उसमें जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बड़ा फायदा होता है। और पर्टिकुलरली जो हमारा इन दिनों में जो फल खाते हैं हम लोग उसमें पुरुषक बोलते हैं हम फालसा को, जी तो फालसे का प्रयोग इन दिनों में बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा रहता है, उसका प्रयोग करें। आलू बुखारे का आलू बुखारा फालसा, फालसा पुरुषक बोलते हैं उसको जी है ना, वो भी एक फल बहुत अच्छा था। फालसे भी इन दिनों में मिलते हैं, खुमानी भी मिलती है, जी खुमानी को तो रात को भिगो के, आलू बुखारा का प्रयोग जो है इन दिनों में करते हैं हम, खुमार जो है ना आलू बुखारा उसको अगर हम थोड़ा बॉयल करके उसका एक सूप बना लिया जाए जी तो वो जो नक्सीड हो जाती है ना, जिनको नक्सीड फूट जाती है उनके लिए बड़ा अच्छा है। जी तो तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी इसमें कुछ लाभ है आलू बुखारे का या आलू खुमानी बुखारा का? कंपैरेटिवली अगर मीठा, क्योंकि मीठे फल तो हम मना करते हैं इसमें, बिल्कुल डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम अक्सर कहते हैं कि जैसे तार खीरा है ना उनका प्रयोग ज़्यादा करें। आड़ू में क्योंकि मीठा कम होता है तो आड़ू इन दिनों में जी डायबिटिक्स पेशेंट ले सकते हैं। खरबूजा थोड़ी मात्रा में, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना होता बिल्कुल है ना, जैसे आम तो हम मना ही करते हैं, तो ऐसे फल नहीं जिसमें मिठास होगी ज़्यादा तो वो फिर उनको नुकसान कर सकते हैं। नेचुरल जो है वो उसमें, क्योंकि कैलरीज का भी ध्यान रखना होता है ना डायबिटीज़ वालों को कि उसमें उनकी कैलरीज ना बढ़ जाएँ, जी तो उसका जो है उसके हिसाब से तो ये मैंने बताया ना, तारों का प्रयोग, टमाटर का प्रयोग और खरबूजे अपना ये जो खीरे का प्रयोग जो है वो उनके लिए अच्छा है। डॉक्टर, हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात की, क्या हम इसी से रिलेटेड चाय, कॉफी, अल्कोहल, इनसे भी कोई प्रिकॉशंस हैं, इनके भी कोई परहेज हैं देखो चाय गर्मियों में? कॉफी जो है ना वो, क्योंकि रुक्षता को बढ़ाते हैं, इन दिनों में रुक्षता ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा होती है, तो चाय कॉफी और अल्कोहल तीनों को हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं इन दिनों में। जैसे लस्सी का प्रयोग बताया मैंने, शीतल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और अगर कोई अल्कोहल से प्रेफर वाइन वगैरह ना ले करके, विस्की वगैरह ना लें, उससे बियर अगर थोड़ी मात्रा में लें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जौ के सत्तू की बड़ी प्रशंसा की है, जौ का जो सत्तू होता है ना वो शीतल होता है, तो उसका प्रयोग इन दिनों में करना चाहिए, जौ का सत्तू बना करके है ना, शरदई वगैरह बना करके भी हम कहते हैं कि उसके बीजों को अच्छी तरह से मसल करके, जो आपकी खरबूजे के बीज होते हैं, तो उसने कोई ताज़ी ड्रिंक्स जो है ना वो तो ले सकते हैं, जी परंतु जो है ना हम मद्यपान को इसमें निषेध करते हैं कि अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, और इसमें क्योंकि विस्की खास करके और जो है ना ऐसे ड्रिंक्स जो हैं वो नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर, ये तो हुई फलों और चाय, कॉफी, इन सब की बात, लेकिन हम सब्जियों के बारे में भी जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलर कौन सी सब्जियां हैं जो हाँ, हमें इसमें भी लाभदायक नेचर हैं? खुद गाइड करती है, जैसे हमारे सीजनल सब्जियां इन दिनों में, आजकल जो सीजन आ रहा है वो है जो लौकी का, जी लौकी जो है इन दिनों में सेवन करना चाहिए, शीतल होती है और ये हमारे मतलब बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, यूरिक एसिड को भी कम करती है। जितनी भी वेल के ऊपर उगने वाली सब्जियां होती हैं, जैसे काली तोरी है, लंबी तोरी जिसे बोलते हैं, हरी बिल्कुल तोरी, वो बहुत अच्छी मानी गई है। इसी तरह से पंपकिन होता है, पेठा, जी पेठे का भी इन्हीं दिनों में मतलब काफ़ी होती है इसमें, तो इन सब्जियों का जो सीजन के सब्जियां हैं इनका सेवन करें, बल्कि जो सीजन जा चुका है, जैसे आजकल कई हम देखते हैं कि भाई लोग जो है वो शलगम आजकल भी खाए जा रहे हैं और वो भी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि इसका मौसम सीजन नहीं होता, जी अदरक का तो इसमें इन दिनों में सेवन ज़्यादा नहीं, अदरक और जो लहसुन वगैरह जो है वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उष्णता बढ़ाते हैं, जी तो इन चीज़ों में मतलब इवन ब्लैक पेपर का भी प्रयोग हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं ज़्यादा, मतलब वो चीज़ें ऐसी सब्जियां खानी चाहिए जो मतलब शीतलता दे हमें,
तो वो जो नेचर ने खुद ही गाइड किया होता है कि हमें जो है काली तोरी है, घिया है, टिंडे हैं, टिंडे भी आजकल खूब मिल जाते हैं, चप्पन कद्दू मिल जाते हैं, जी उनका सेवन जो है वो अधिक मात्रा में, पेठे का सेवन, पंपकिन का सेवन जो है वो बहुत ही अच्छा है, उनका करना चाहिए। और जो है ना, जैसे हम पुदीना मिलता है, पुदीने की चटनी बना करके भी ले सकते हैं, पुदीने में धनिया का प्रयोग ज़्यादा करें, जी धनिया भी जो है इन दिनों में मतलब ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी शीतलता होती है, वो भी क्योंकि उसमें वोमिटिंग के कई बार चांसेस होते हैं, तो वोमिटिंग को लिए जैसे धनिया का जूस जो होता है ना, वो जी वोमिटिंग को भी रोकता है, उसमें भी जो है मतलब उसमें फ़ायदा करता है हमें। डॉक्टर, ये तो हुई खान पीन की बात। अब हाँ हम इस सीजन में रहन सहन के बारे में भी बात करना चाहेंगे कि कैसा होना चाहिए हमारा। हाँ इसमें रहन सहन पर बड़ा ज़्यादा बल है। जैसे हम सुबह की हम एक्सरसाइज को ले लेते हैं, तो हम गर्मी सर्दियों में कहते हैं ज़्यादा एक्सरसाइज करें, जी परंतु गर्मियों में क्योंकि हमारी जो मैंने बताया ना, हमारा जो इम्यून सिस्टम भी वीक होता है और हमारी अग्नि बल भी कम होता है, तो इसमें ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा मतलब जैसे हम कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या जैसे कोई कोई जॉगिंग करते हैं, या और मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो जिम में जाकर के ज़्यादा देर टाइम लगाते हैं ना, जी वो हम मना करते हैं। इसमें मतलब लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए और सैर वगैरह करें, और मतलब जिससे अपना जो है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ना हो, जी है ना, वाटर लॉस ना हो, जी अगर पसीना अधिक निकल जाएगा, है ना। हमारे तो यहाँ पे लिखा है, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थिरार्था बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रायाम तामसमाचरेत। भाई व्यायाम उतना करें जिस तब माथे से जैसे पसीना आ जाए तो व्यायाम ना करें, तो गर्मी में पसीना आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जी थोड़ी चेष्टाओं से पसीना ज़्यादा आएगा, तो हमें इसमें एक तो व्यायाम अधिक नहीं करना चाहिए। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैथुन करना, जो सेक्सुअल इंटेलिजेंस इंटरकोर्स वगैरह, उसको अवॉइड करना चाहिए, कि ग्रीष्म ऋतु में हम मना करते हैं इसको। और एक भी इसमें दिनचर्या आमतौर पर हम सभी ऋतुओं में कहते हैं कि कोई रातें इन दिनों में छोटी होती हैं, बिल्कुल दिन जो है वो बड़े होते हैं, जी तो एक यही ग्रीष्म ऋतु है जिसमें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो है दिन में थोड़ा सा नैप, दिन में थोड़ा सो जाना चाहिए, जी घंटा आधा घंटा 1.5 घंटा जो भी मतलब टाइम मिले, तो जी दोपहर के टाइम पे जो है वो एक तो शीतल जगह पे, चाहे कोई अच्छा मतलब कोई एयर कंडीशन रूम हो या जहाँ पे कूल हो, जी है ना, वहाँ ठंडी जगह पे वो। और बिल्कुल रात्रि के समय जो है हम तो ये रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मच्छर होते हैं, तो मच्छरदानी वगैरह लगा करके इट इज़ बेटर कि अगर हम ओपन एयर में, जैसे मकान की छत के ऊपर जो है, वहाँ पे जो चंद्रमा की हल्की हल्की जो लाइट पड़ रही हो, जी उसमें अगर शयन किया जाए, सोया जाए,